नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल हमारा बिहार में। इधर कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने में दुनिया परेशान है, वहीं इजराइल ने दावा कर दिया है कि उसने कोरोना वायरस से लड़ने वाला एंटीबॉडी को विकसित कर लिया है। दरअसल वहां के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा कर दिया है कि देश के प्रमुख अनुसंधान संस्थान में कार्यरत वहां के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस से लड़ने में सहायक एंटीबॉडी को विकसित करने में सहायता पाई है। वैज्ञानिकों के अनुसार वह एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश कर कोरोना के असर को बेअसर कर देगा। वहां के रक्षा मंत्री के मुताबिक एंटीबॉडी का कार्य पूरा हो चुका है और उसे पेटेंट कराने की तैयारी में है, साथ ही उसके उत्पादन पर जोरों शोरों से कार्य शुरू कर दिया गया है। इस विपरीत स्थिति में इजराइल का यह दावा सुकून देने वाला है। जी हाँ, दरअसल वहाँ के इजराइल के रक्षा मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से 3 ट्वीट किए गए थे। इसमें लिखा गया था कि पिछले 2 दिनों में IIBR के द्वारा एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलता हासिल किया गया है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा एंटीबॉडी विकसित किया है जो कोरोना वायरस को शरीर से बेअसर करने में सहायक होगी। रक्षा मंत्रालय ताली बेनेट ने वहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा किया और एंटीबॉडी बनाने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री बेनेट को लैब में दिखाया गया कि किस तरह से यह एंटीबॉडी कोरोना में सहायक है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां के रिसर्चर दुनिया भर के प्रमुख कंपनियों से चर्चा करेंगे ताकि इंटरनेशनल लेवल पर इसका उत्पादन किया जा सके। रक्षा मंत्री ने कहा है कि मुझे अपने संस्थानों के वैज्ञानिकों पर गर्व है। अगर यह दावा सच में साबित होता है तो बिल्कुल इस विपरीत स्थिति में बहुत राहत देने वाली खबर है। वहीं भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह बेहद ही राहत देने वाली खबर है।